डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या कार्बन ग्रेफाइट दिया गया है और प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराएगी, CO2 बना, और यहाँ पर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाया गया, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आपको दिया गया है। इसी तरह से आपको CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करा के CH4 और O2 बनाया गया, यहाँ पर भी आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी गई है। देन आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मैच कराते जाओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उससे आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट है, इधर साइड भी कार्बन ग्रेफाइट है, यानी कि ये रिएक्शन एज के एज लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद यहाँ पर इधर साइड हाइड्रोजन है, इधर साइड भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने, दो हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से ये वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए निकालोगे तो 1+ आपने क्या किया, 2×2 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये CO2 है इधर साइड और इधर साइड CO2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। H2O यहाँ पर इधर साइड है और इधर साइड भी है, तो ये भी H2O हो जाएगा, और मीथेन इधर साइड है और उधर साइड भी मीथेन आपको चाहिए, यानी ये रिएक्शन भी एज इट इज ही लिखी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 1 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू जो आ रही है वो -393.5 आ रही है, प्लस 2×2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की वैल्यू जो आ रही है वो -285.8 आ रही है, और प्लस 3 की वैल्यू अगर आप देखो तो ये 890.3 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस वाला जो होगा वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, माइनस वाला जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और इसको आप कैलकुलेट करके लाओगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो -74.8 किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बिना कैलकुलेशन के भी इसको एक अंदाज से देख सकते हो कि किस तरह से आएगा। आपको करना क्या है, इस रिएक्शन में सिर्फ आपको मैच कराना होता है कि क्या क्या बना हुआ है, किस हिसाब से बना। भाई आप देख भी सकते हो, यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट इधर साइड है, इधर साइड भी कार्बन ग्रेफाइट है, एक ही मोल है, एक मोल आपको चाहिए, तो पहली रिएक्शन एज इट इज लिखी जाएगी। दूसरी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन इधर साइड है, उधर साइड भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इधर ही साइड है, यानी ये रिएक्शन भी एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, बट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, बात समझ आई ना। और 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इधर साइड अगर देखो तो प्रोडक्ट के उधर साइड बचा क्या, मीथेन है, तो प्रोडक्ट के उधर साइड मीथेन है, यानी ये रिएक्शन भी एज इट इज़ लिखी जाएगी, यानी तीनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद अब देखो क्या फाइनल रिएक्शन आ रही, तो कार्बन ग्रेफाइट इधर भी है, कार्बन ग्रेफाइट उधर भी, ठीक है। अब इसके बाद में ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इधर साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2O2 है। अब आप यार इधर साइड देखो कि 2O2 मिल रहा है क्या, तो 1O2 तो यहाँ से मिल रहा है, 1O2 यहाँ से, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा वाटर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2H2O इधर साइड है, 2H2O इधर साइड है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ज़रा देखना, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। अब आप देख लो कि बचा क्या है, CO2 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब बचा आपके पास में क्या है, तो इस कार्बन ग्रेफाइट बचा है, प्लस आपके पास 2H2 बचा है, इधर साइड कुछ नहीं बचा है, तो गिब्स क्या है, CH4, यानी ये रिएक्शन आ जाएगी, और इस तरह से आप इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं।